भाई बस एक मिनट, जल्दी करना। पता तो है तुझे, मोहल्ले का लफंगा और बाश इस वक्त गली में ही खड़ा होता है। अरे तो खड़ा रहे, जरूरत है किसी की कुछ कह के दिखाए? जूती देखी है मेरी? तू नहीं जानती, बड़े बड़े ढीठ हैं, ऊपर से शरीफ बनते और अंदर से पूरे। याद नहीं है उस दिन ताऊ दायत ने कैसे पकड़ा था? नरगिस खाला की दीवार से कान लगाए खड़े थे। हाँ लुच्चे नहीं के, कसम से सच कह रहा हूँ। सच कहो या झूठ, मुझे क्या, और मेरे पीछे पीछे मत आओ, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करो, समझे? नहीं, जब तक तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ढीठ इंसान हो तुम। हाय, आपसे तुम पर तो आ गई हो ना देखो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी इज्जत के काबिल हो कि तुम्हें आप कहा जाए। अवारा लफंगे, तुम्हारा असल चेहरा मैंने देख लिया, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली मैं। अच्छा सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, अच्छा अगर वो मनुष्य खुद तुम्हें आके बताए उसने मुझे कैसे फंसाया तो मान लोगी? वो आकर बताएगा, वो भी मुझे। कान पकड़ कर ले आऊंगा अगर कहो तो। कान पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा नाम सुनकर वो खुद ही कान पकड़ कर भाग जाएगा। क्यों, इतना डरता तुमसे? यही समझ लो, और तुम भी डर के रहा करो। डरता हूँ यार, डरता हूँ तुम्हारी खफगी से जो यार। अभी भी डर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जो मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। खुदा की कसम वही करूँगा, बता दूँ। फिलहाल तो मेरा रास्ता छोड़ो, लोग देख रहे हैं, तुम्हारी गलत फहमी के चक्कर में मैं फंस जाऊंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम रात को खिड़की में आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है।